बहुत दिनों के बाद आज मैं जा रही हूँ एक चढ़ाई के लिए वड़ाकरा में। मेरी पति की चचेरी बहन हमें वहाँ लेके जा रही है, मेरी भतीजा भी है हमारे साथ। हम चले और चले और चले, फिर हम चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते हमने कितना सारा पसीना बहाया, बेशक सुंदर दृश्य बहुत ही अच्छी थी। अंत में हम पायाम कुतिमाला इको टूरिज्म स्पॉट पर पहुंचे। वड़ाकरा उसके आसपास का विहंगम दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलता है। अरेबियन सागर में सूर्योदय सूर्यास्त देखने के लिए बहुत सारे यात्री यहाँ आते हैं। आज दुर्भाग्य से बारिश शुरू हो गई, धुंध थी, इसलिए हमें सुंदर सी सूर्यास्त दिखी नहीं। ये बहुत ही साफ सुथरा जगह थी, एक मंदिर भी थी। इस बीच बहुत बारिश शुरू हो गई पर हमें थोड़ा सा सूर्यास्त दिखने को मिली। केरला बहुत ही खूबसूरत राज्य है, यहाँ खाना भी बहुत ही सही है। मैंने बहुत सी अलग अलग चीज़ें खाई, ये तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसको कहते हैं उपलिट्ट, ये रास्ते में बहुत जगह आपको मिलेगी, पाइनएप्पल में मिलता है, आंवला में मिलती है, तो ये तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। काश आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बेबीज, आपको पता है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बट मेरी हिंदी ऑडियंस के लिए मैंने ट्राई किया है, तो कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। बाय बाय। ऑफकोर्स जब केरला में हो बगस ज़रूर ट्राई करना, इतनी टेस्टी है ना बेबीज, सुपर टेस्टी।